बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन की आम चार इकसाम हैं। नंबर एक स्टार स्टार कनेक्शन, नंबर दो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, नंबर तीन स्टार डेल्टा कनेक्शन, नंबर चार डेल्टा स्टार कनेक्शन। उसके बाद स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में आपको बताया था। कनेक्शन के इस तरीके में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स को स्टार में जोड़ा जाता है। ये कनेक्शन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स के लिए मौजूद होते हैं। इनमें फेज़ वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कम होते हैं। फेज़ वोल्टेज की मकदार कम होने से टर्न्स की तादाद भी कम होती है, इंसुलेशन कम होती है और कीमत भी कम होती है। फिर हमने डायग्राम बनाई थी। डायग्राम बनाने के बाद मेरिट्स पढ़े थे। फ़ायद में हमने ये पढ़ा था फेज़ वोल्टेज लाइन वोल्टेज के 1/√3 गुना कम होते हैं, इसलिए टर्न्स की तादाद कम रखी जाती है, इंसुलेशन कम दरकार होती है और इस ट्रांसफार्मर की कीमत भी कम होती है। इसमें फेज़ करंट और लाइन करंट बराबर होती है और ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग में से ज़्यादा करंट गुजारना पड़ती है, जिसकी वजह से वाइंडिंग मोटी तार की बनाई जाती है और मैकेनिकली तौर पर वो ज़्यादा मजबूत होती है। ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा लोड और शॉर्ट सर्किट करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज में कोई फेज़ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए इस तरह के ट्रांसफार्मर को बआसानी मतवाजन लोड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ट्रांसफार्मर से थ्री फेज़ फोर वायर सिस्टम हासिल होता है और ज़रूरत के मुताबिक हम इसको थ्री फेज़ थ्री वायर सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स या नुकसानात। इस ट्रांसफार्मर के नुकसानात ये हैं कि इसकी कारकर्दगी तसली बख्श नहीं होती, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड गैर मुतवाजन हो सकता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड गैर मुतवाजन हो तो इसकी कारकर्दगी तसली बख्श नहीं होती। इसके अलावा इस ट्रांसफार्मर में थर्ड हारमोनिक्स असरअंदाज होती हैं। थर्ड हारमोनिक्स से बचने के लिए इस ट्रांसफार्मर में एक इजाफी वाइंडिंग करनी पड़ती है और ये ट्रांसफार्मर कम्युनिकेशन सर्किट में मुदाखलत पैदा करते हैं। टुडेज़ टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस। कनेक्शन डायग्राम ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, मेरिट्स ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और डीमेरिट्स ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस। सबसे पहले डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन बोथ द थ्री फेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा कनेक्शन। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स को डेल्टा में जोड़ा गया है। ये कनेक्शन इकोनॉमिकली लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स के लिए मौजू हैं। जहाँ कम वोल्टेज दरकार हों वहाँ कनेक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कनेक्शन में दोनों वाइंडिंग्स के लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के दरमियान फेज़ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। फेज़ करंट की मकदार लाइन करंट का 1/√3 गुना कम होती है। गैर मुतवाजन लोड पर भी ये कनेक्शन तसली बख्श काम करते हैं और फेज़ वोल्टेज में कोई तब्दीली नहीं होती। इस कनेक्शन में थर्ड हारमोनिक्स असरअंदाज नहीं होती, इसलिए वोल्टेज की वेवफॉर्म साइनोसाइडल होती है। इस कनेक्शन का नुकसान ये है कि दोनों वाइंडिंग साइड से न्यूट्रल पॉइंट हासिल नहीं होता। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर कनेक्शन। नंबर एक साइनोसाइडल वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड। इस तरह के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड पर साइनोसाइडल वोल्टेज मिलते हैं। उसके बाद सूटेबल फॉर अनबैलेंस लोड। इस तरह के ट्रांसफार्मर अनबैलेंस लोड के लिए सूटेबल हैं, ज़्यादा मौजू हैं, बेहतर काम करते हैं।
उसके बाद नो डिस्टॉर्शन इन सेकेंडरी वोल्टेज, इस तरह के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज में कोई बिगाड़ पैदा नहीं होता, यानी थर्ड हार्मोनिक्स इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। कैरी 58% लोड इफ वन ट्रांसफार्मर इज फॉल्टी इन ट्रांसफार्मर बैंक, अगर ट्रांसफार्मर बैंक में से एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो इस तरह के ट्रांसफार्मर के ऊपर 58% लोड चलाया जा सकता है। इकोनॉमिकली फॉर लो वोल्टेज, इस तरह के ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज के लिए इकोनॉमिकल होते हैं। उसके बाद रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इस तरह के ट्रांसफार्मर में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कम होते हैं, इसलिए वाइंडिंग्स ब्रिक तार की बनाई जाती हैं जिससे कॉपर की बचत होती है और कीमत भी कम होती है। एब्सेंट ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज, इस तरह के ट्रांसफार्मर में थर्ड हार्मोनिक्स असरअंदाज नहीं होती। इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर कनेक्शन, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, इस तरह का ट्रांसफार्मर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोनों साइड्स न्यूट्रल पॉइंट हासिल नहीं होती, दोनों साइड से न्यूट्रल पॉइंट हासिल नहीं होती। दूसरा नुकसान इसका यह है कि मोर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होते हैं इसलिए भारी इंसुलेशन दरकार होती है। ये इसके दो नुकसान हैं।